हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे? आई टीच यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस पार्ट बायोलॉजी क्लास 9th। ओके, लास्ट टाइम ने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, ठीक है, और आज मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी एंड आर वाइटल फॉर एक्टिविटीज ऑफ लिविंग सेल्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल का पावर हाउस कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर हाउस। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो जो एनिमल सेल होती है, सॉरी जो भी सेल होती है, वाइटल सेल होती है, लिविंग सेल होती है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अच्छा, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, देखें जरा। ड्यू टू दिस रीजन दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इस कारण से इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य करता है। ओके, चलिए। एंड अगला टॉपिक है इसका प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनल्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। किसे पाए जाते हैं? प्लांट सेल में। इट मीन्स प्लास्टिड्स आर एबसेंट इन द एनिमल सेल। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लास्टिड्स होते हैं वो एनिमल सेल में एबसेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे आर बाउंडेड बाई द टू मेम्ब्रेन। ये दो झिल्लियों से घिरे होते हैं, ठीक है, या दो झिल्लियों में बंद होते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड आर एज फॉलो। ये देखिए आप, यहाँ कई प्रकार के प्लास्टिड्स हैं जो इस प्रकार दे रखे हैं, समझिए इनको। पॉइंट ए, ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो रंगहीन होता है, ठीक है। विच स्टोर फूड ऑफ द प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो कि प्लांट के अंदर भोजन का स्टोर करता है स्टार्च के रूप में। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या करता है? इसका मुख्य कार्य होता है कि यह प्लांट के अंदर भोजन को स्टार्च के रूप में स्टोर करता है, प्रोटीन एंड लिपिड्स, और साथ ही इसके प्रोटीन और लिपिड्स को भी। दे अकर इन द स्टोरेज सेल्स ऑफ रूट्स एंड द स्टेम ऑफ प्लांट। यह जो प्लांट की सेल्स होती हैं और रूट्स, उन्हें पाया जाता है। एंड सेकेंड पॉइंट भी, क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लास्टिड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलर पिगमेंट। जो क्लोरोफिल होता है वो कैसा होता है? हरे रंग का होता है, ठीक है, और इसके कारण ही पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल द आकार अबंडेंटली इन ग्रीन लीव्स एंड टू सम एक्सटेंट द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पौधे की पत्तियों के साथ साथ पौधे के जो अन्य भागों का रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। पॉइंट सी, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड्स। दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन फ्लावर एंड फ्रूट्स। जो क्लोरोप्लास्ट होता है आर कलर्ड प्लास्टिड, ये रंगीन प्लास्टिड होता है। जैसे भी क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड, जो क्लोरोप्लास्ट होता है कहते हैं रंगीन प्लास्टिड होता है। दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये मुख्य रूप से जो फ्लावर्स होते हैं एंड फ्रूट्स, फूलों और फलों में पाया जाता है, या हम कह सकते हैं फूलों और फलों का रंग जो होता है, जो भी हो, जिस रंग कलर हो, वो सब क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ही होता है। ओके, एंड नाउ फंक्शन नंबर फर्स्ट, ल्यूकोप्लास्ट असिस्ट इन स्टोर ऑफ स्टार्च प्रोटीन एंड लिपिड्स। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसका मुख्य कार्य होता है कि वो स्टार प्रोटीन एंड लिपिड्स ऑयल को भी स्टोर कर सके, या स्टोर करने का कार्य करता है।
जो लिक्विफाइड होता है वो प्रोटीन और आपका स्टार्च और लिपिड्स, लिपिड्स इट मीन्स ऑयल, इनको स्टोर करने का काम करता है। वन सेकेंड, ग्रीन पैस्ट्स आर क्लोरोप्लास्ट प्रिपेयर फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस बाय द ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। जो ग्रीन प्लास्टिक होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्लांट के लिए भोजन बनाने का कार्य करता है। ठीक है, रिएक्शन समझ लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है, H2 दे रखा है, क्लोरोफिल दे रखा है, और ठीक है ये रेडिएंट एनर्जी दे रखी है, सोलर एनर्जी है, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, इसका फॉर्म होता है C6H12O6, ये समझ लीजिए, मतलब C6H6O6, ठीक है, बस ओके। देखा आपने कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, जो फूड में काम करेगा, क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है, जो हमें लगभग होती है। नंबर थर्ड है, क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू डिफरेंट फ्लावर एंड फ्लावरिंग पार्ट ऑफ फ्रूट्स। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो फूल और फलों को रंग प्रदान करने का काम करता है, कलर करने का काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टुडे इज कंप्लीट टॉपिक, एंड कल पढ़ाऊंगा आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक, बाय।